पूर्व पंचों ने पेंशन लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। हरियाणा सरकार द्वारा भूतपूर्व सरपंच, जिला परिषदों एवं चेयरमैनों की पेंशन लागू किए जाने की घोषणा के बाद पूर्व पंचायत पंच, पूर्व पंचायत समिति मेंबर एवं पूर्व जिला परिषद सदस्यों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उकलाना खंड के पूर्व पंचायत समिति मेंबर एवं पूर्व पंचायत मेंबर एवं अन्य पूर्व प्रतिनिधियों ने सरकार के खिलाफ उकलाना के किसान विश्राम गृह में जमकर नारेबाजी की। पेंशन लागू करने की मांग को लेकर किसान विश्राम गृह में इकट्ठे हुए लोगों ने पहले सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर किसान विश्राम गृह से लेकर उकलाना तहसील परिसर तक जुलूस निकालते हुए उकलाना के नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व पंचायत पंच एवं अन्य समितियों के सदस्यों को किसान सभा के जिला अध्यक्ष मोलड राम आर्य ने भी अपना समर्थन देते हुए उनकी मांगों का समर्थन किया और सरकार पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार में किसान, व्यापारी, कर्मचारी मौजूद सभी दुखी हैं और किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। हरियाणा सरकार ने जो 1994 में ब्लॉक समिति मेंबर, जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो सरपंचों की पेंशन लागू की है, हमारी मांग है कि ये बिना भेदभाव के, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ मार्केट कमेटी के जो मेंबर होते हैं, मार्केटिंग सोसाइटियों के जो मेंबर होते हैं, फैक्स वगैरह के वो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उन समेत नगर पालिका है, चाहे वो पंच है, एक्स पंच है, ब्लॉक समिति मेंबर है, एक्स ब्लॉक समिति मेंबर है, और चाहे वो कई हमारे साथी है जो पूर्व सैनिक है, वो पूर्व सैनिक की पेंशन ले रहे हैं, तो जिस तरह सांसद और MLA पेंशन लेते हैं कई बार, इसी तरह उनकी भी पेंशन और बिना भेदभाव के, बिना शर्त के सभी की लागू की जाए। इन बातों को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मुख्यमंत्री को नाम नायब तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन देंगे और जब तक हमारी मांग लागू नहीं होगी तो इस आंदोलन को हम पूरा हरियाणा में फैलाने का काम करेंगे, और चाहे हमें DC के को ज्ञापन देना हो, प्रदर्शन करना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री का वहाँ विधानसभा का घेराव करने की बात हो, तो वहाँ भी हम जाने से गुरेज नहीं करेंगे। विधानसभा इनकी मांगों का पुरजोर समर्थन करती है। ये सरकार हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूँ, एक आंडी में दो पेट कर रही है। उन्होंने के मोरनी का डरा मार दिया इन बाकी बिचारों ने। ये भी तो आखिर पंच रहे हैं, जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, आखिर इनको पेंशन क्यों नहीं? असल में सरकार का इरादा समाज के लोगों में फूट डालने का है और किसान सभा ये प्रयास करेगी कि हम सरकार के इरादे को पूरा नहीं होने देंगे। हम इन साथियों के आंदोलन में किसान सभा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। देखिए, आज इस बात के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर और हमारे जो एक्स मेंबर है, ग्राम पंचायत के मेंबर और नगर पालिका के जो MC, हम सभी गांव से हमारे प्रतिनिधि मंडल आज जो नायब तहसीलदार साहब है उसको ज्ञापन सौंपेगा मुख्यमंत्री के नाम कि हमारी जिस प्रकार से हरियाणा में पेंशन लागू करी है, हमारे सरपंचों की, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, ब्लॉक समिति चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की, इसी प्रकार हमारी भी पेंशन लागू की जाए, क्योंकि वो भी 5 साल के लिए चुन के आए हैं सरपंच और चेयरमैन, हम भी 5 साल के लिए चुन के आए हैं जो हमारे मेंबर है, ये पंचायत जन प्रतिनिधि जो हमारा मंडल है आज, ये नायब तहसीलदार को मिलेगा। और हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो उन्होंने एक वोट बैंक के लिए पेंशन लागू की, भाई ये सरपंचों की पेंशन लागू कर दी, हमारा भी वोट बैंक है, हम उस पार्टी को वोट का समर्थन करेंगे जो हमारी पेंशन लागू करेगा या घोषणा करेगा चुनाव से पहले पहले, और 2 तारीख को विधानसभा का हम घेराव करेंगे, अगर उससे पहले पेंशन नहीं लागू हुई तो हम DC साहब को मिलेंगे और विधानसभा के बाहर समर्थन धरने पर बैठेंगे। आज खंड उकलाना के लोगों ने पंचायत मेंबर की पेंशन और दूसरे मेंबरों की पेंशन के लिए जो ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन हम उचित माध्यम से सरकार के पास भेज देंगे और इस पर जो भी उचित कार्रवाई